हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है उमेश और मैं हूँ एक सोलो प्लेयर इंडिया से। और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ माई पेइंग एड्स की जो लाइव प्रूफ आपको बताने वाला हूँ जो किया है मैंने MPA से, ठीक है, और जो हो रहा है। और दूसरा मैं आपको बताऊँगा कि माई पेइंग एड्स का जो सिस्टर कंपनी या फिर आप बोलिए पार्टनर कंपनी जो कि माई पेइंग एड्स की कंपनी आई है माई पेइंग क्रिप्टो एड्स, उसके बारे में आपको थोड़ा डिस्क्राइब में थोड़ा सा बताऊँगा, ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। और एक बात आपको यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, तो आप यहाँ पर ये लिंक मैं आपको नीचे दूंगा वीडियो के, ठीक है। यहाँ पर आकर आप कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आप कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके मुझे कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग या किसी चीज़ के रिगार्डिंग भी, फेसबुक, स्काइप पे, यूट्यूब पे, या फिर यहाँ पर नेम, ईमेल आईडी, मैसेज लिख के सेंड करके मुझे कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं और मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगा, ओके। तो इसे अभी कर रहा हूँ मैं बंद इस पेज को। तो ये मेरा फेसबुक पेज है, यहाँ पर ये भी मैं लिंक आपको नीचे दूंगा, ठीक है, इस वीडियो के नीचे। और यहाँ पर भी आप आकर मुझे कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी मैसेज मुझे सेंड कर सकते हैं, ऐड फ्रेंड कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने का यहाँ पर भी पूरा ट्राई करूँगा, ओके। तो इसे भी अभी बंद कर रहा हूँ मैं। तो अभी सीधा आता हूँ मैं mypayingads.com पे, आप देख रहे हैं मैं अभी लॉगिन हूँ, ठीक है। तो एक बात तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप mypayingads.com में अभी तक ज्वाइन नहीं है तो आप ज्वाइन होने में देर ना करें, क्योंकि सही टाइम पर सही एक्शन लेना यही सबसे बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ, अपने विड्रॉल दिखाता हूँ सिंपल। अभी देख रहे हैं आप अर्निंग बैलेंस में मेरे पास दिखा रहा है $384, ठीक है, और कमीशन बैलेंस में $21 दिखा रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मेरे को विड्रॉल लेना है। आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन में मेरे पास $365 है और पेजा में $19 समथिंग है। तो मेरे को अभी इसमें से बिटकॉइन से विड्रॉल लूँगा, तो मैं आपके सामने विड्रॉल का रिक्वेस्ट डालता हूँ, ठीक है। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ जो कि मैंने ऑलरेडी विड्रॉल ले चुका हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मैंने पीछे एक दो दिन पहले एक स्नैपशॉट डाला था फेसबुक पे, तो कुछ लोगों का रिक्वेस्ट था कि आप लाइव करके दिखाएं, तो मैं आपके लिए लाइव करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको विड्रॉल हिस्ट्री दिखाता हूँ अपनी, ओके। तो विड्रॉल हिस्ट्री में आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे, अगर मैं नीचे आपको दिखाऊँ, यहाँ पे 24, 25, 27 को अक्टूबर को मैंने $200 का विड्रॉल लिया हर 3 दिन में, ठीक है। और ये तीनों दिन में विड्रॉल लेके आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टेटस डन है। तो अभी मैं आपके पास विड्रॉल का दोबारा से आपको लाइव लेके बताऊंगा, ताकि आपको दोबारा से कभी प्रॉब्लम ना हो विड्रॉल लेने में कि कैसे लेना है कैसे नहीं लेना, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं अपने ओवरव्यू पे दोबारा से जाता हूँ, ठीक है। अभी मैं ओवरव्यू पे गया, नीचे में आ रहा हूँ, रिक्वेस्ट विड्रॉल पे आप क्लिक करेंगे अगर आपके आपके पास यहाँ पे फंड शो कर रहा है तो। रिक्वेस्ट विड्रॉल किया, अभी बोल रहा है यू हैव टू क्लिक 3 banners हेयर, ठीक है। तो अभी 1, 2, 3 तीनों पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैं बैनर पर जा रहा हूँ, बैनर पे ये बार लोड हो रही है 10 सेकंड की, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये एंड होती है तो आपको बताता हूँ क्या करना है। ये एंड हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा आएगा थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस एड, ठीक है, ओके हो गया। अब ये भी एंड हो रही है, देखिए अब यहाँ पे भी लिखा आ गया, ठीक है। अब ये वाली भी एंड होगी, ये वाली भी एंड होगी। अब हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे क्लिक करने से क्या हुआ, गो बैक टू PPC पेज, हम दोबारा से MPA की साइट पे आ गए, ठीक है। और ये दो टैब मैंने बंद कर दिए, तो अभी रिक्वेस्ट विड्रॉल का बटन आ गया, मैंने इस पर क्लिक किया और नीचे मैंने देखा बैलेंस दिखा रहा है अर्निंग बैलेंस में, ठीक है, ये दिखा रहा है अर्निंग बैलेंस में $365 कॉइन पेमेंट के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ से अमाउंट एंटर करूँगा, कितना, $350 मैंने विड्रॉ करना है कॉइन पेमेंट से, ठीक है। तो कॉइन पेमेंट्स पे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास $350 कहाँ पे दिखा रहा है, कॉइन पेमेंट में दिखा रहा है, ठीक है। अगर पेजा में पेजा का करना होगा मैंने, तो पेजा का मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा, ठीक है। तो अभी कॉइन पेमेंट चूज़ किया, अर्निंग बैलेंस से है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर सब कुछ आप चेक करेंगे एक बार, ठीक है। डेली लिमिट $200 लिखा हुआ है, वीकली लिमिट $1000, ओके, मिनिमम 5 है, ठीक है, मैक्सिमम 200 जो है आप विड्रॉल ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि सब कुछ सही है। अभी देखते हैं मेरी, अभी ये पूछा रिक्वेस्ट विड्रॉल कैसे लेंगे आप, सिक्योरिटी क्वेश्चन जो मैंने अपना यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, मैं उसका आंसर दूंगा, आंसर दे रहा हूँ मैं, आंसर मैंने दिया। मैंने यहाँ पे क्लिक किया सबमिट पे, अब देखते हैं, लिखा योर विड्रॉल रिक्वेस्ट अमाउंट कैन नॉट बी मोर देन फॉलोइंग अमाउंट, ओके, 200 से ऊपर नहीं ले सकता मैं, ओके, मैं भूल गया था। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी वापस ले आया मुझे ये अर्निंग बैलेंस में आ गया, तो यहाँ पे मैं $200 से ऊपर नहीं ले पाऊँगा अभी, तो $200 का ही ले लेते हैं। पेजा नहीं, कॉइन पेमेंट है मेरा, ठीक है, बाकी सब कुछ सही है, सबमिट किया, ओके। अब ये फिर से पूछ रहा है, तो मैं इसको यूँ करके, ठीक है, सबमिट किया और लिखा है विड्रॉल रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली, तो ये विड्रॉल रिक्वेस्ट चली गई, अभी जा रही है, देखिए, ठीक है। तो विड्रॉल समरी
आप देख सकते हैं 200 किया, 225 अक्टूबर को किया, 26 अक्टूबर को किया और 28 को किया, और आज मैंने अभी आपके सामने ये किया, देखिए पेंडिंग में दिखा रहा है, और बाकी सब तीनों डन है, डन डन डन, ठीक है, 200 200 200 डॉलर वाले। तो इस तरीके से आप भी अपना विड्रॉल ले सकते हैं। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने विड्रॉल कैसे ले लिया इतना इतना अमाउंट डेली का, तो ये सिर्फ इसका मेथड मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने सही टाइम पे सही एक्शन लिया था, ठीक है। तो आपको अकाउंट बिल्डअप करने के लिए थोड़ा टाइम स्पेंड करना होता है, कंपाउंडिंग करनी होती है इधर, आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो आप सुन लीजिए, थोड़ा कंपाउंडिंग कीजिए उसको अच्छे से अपने अकाउंट को, 3 2 3 महीने 4 महीने, और आपका अकाउंट इतना अच्छा बिल्डअप हो जाएगा कि आप डेली का भी $200 विड्रॉल ले पाएंगे। बट वो सारा इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना फंड लगा रहे हैं, ठीक है। तो मेरी सजेशन यही होती है हर किसी को कि अगर कोई स्टार्ट करने जा रहा है तो अच्छे फंड से स्टार्ट करे, नहीं उससे अच्छे फंड से नहीं करना तो मत ही करे, सो ये बेटर है, ठीक है। तो अगर आप मेरे नीचे ज्वाइन करना चाह रहे हो माई पेइंग एड्स, याद रखिए ये mypayingads.com है, ठीक है, MPA, और आप यहाँ पे ज्वाइन करना हो तो आपको मैं ये लिंक भी नीचे दूंगा, ये वाला लिंक, ठीक है, अब ज्वाइनिंग करने का, और अगर आपने ज्वाइन करना तो आप मेरे नीचे ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं करना तो भी कोई टेंशन नहीं, किसी और के अंडर भी आप जाके कर सकते हैं। बट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप ज्वाइन पक्का जरूर करें, क्योंकि ये कंपनी टोटली लेजिट तरीके से चल रही है, और इसके जो ओनर है उनकी ट्रांसपेरेंसी टोटली 100% वो दे रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ हिडन नहीं है, सब कुछ, मतलब 18 मंथ से बिल्कुल टोटल टाइम पे हर एक पर्सन को प्रूफ विड्रॉल मिल रहा है, ठीक है, 72 आवर्स के अंदर अंदर, ओके। तो कोई भी घबराने की बात नहीं, आप इसको ज्वाइन कीजिए। और दूसरा, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अभी ऊपर ये 3 लिंक्स दिखा रहा है, ठीक है, लिंक टू MPCA यू करके MP, तो ये क्या दिखा रहा है, mypayingcryptoads.com एक साइट आ गई है, ये किसकी है, ये साइट जो है ये भी MPA के MPA ने ही निकाली है, mypayingads.com ने क्यों निकाली है। अब आप बोलेंगे ये साइट क्यों निकाल दी, तो मैं आपको बताता हूँ, ये साइट है बेसिकली बिटकॉइंस में काम करती है, क्योंकि आपको पता है कि MPA में हम काम करते हैं, जो यहाँ पे डिफरेंट पेमेंट प्रोसेसर है हमारे पास, जैसे पेजा है, परफेक्ट मनी है, सोलिट्रस पे है, तो इसमें कोई और प्रोसेसर यूज़ नहीं होगा सिवाय बिटकॉइंस वॉलेट के, ठीक है, तो BTC वॉलेट ही ओनली यूज़ होंगे और बिटकॉइंस में ही यहाँ पे काम होगा, ओके। तो मैं इस साइट पे भी आपको लेके चलता हूँ। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये साइट क्यों लॉन्च कर दी गई, जबकि यहाँ पे हम बिटकॉइंस में तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे MPA में तो ऑलरेडी बिटकॉइंस में हम अर्न कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये साइट क्यों बना दी गई, ठीक है। तो इसका आंसर सीधा सा है कि अगर आप एप्पल के प्रोडक्ट देखते हैं, एप्पल ने सबसे पहले आईफोन 5 बनाया, ठीक है, उसके बाद 6 बनाया, फिर 7 बनाया, तो वो क्यों बना रहा है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी और आप बोल सकते हैं ज़माने के साथ चल रहा है, ठीक है, आगे बढ़ रहा है। अगर वो नहीं बढ़ेगा तो नोकिया की तरह, आपको पता है नोकिया का क्या हाल हुआ है अभी रिसेंटली, ठीक है, तो उसका हाल भी वैसा हो जाएगा। तो जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ रही है, मार्केट को पूरा स्टडी करने के साथ साथ उसके साथ चलना पड़ेगा, नहीं, और ऐसा नहीं है कि इन्होंने अगर दूसरी कंपनी अपनी लॉन्च कर दी है तो MPA को कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। MPA एक आप बोल सकते हैं पेरेंट कंपनी है, ठीक है, तो पेरेंट से चाइल्ड बना है, ठीक है, तो पेरेंट ज़्यादा स्ट्रांग और होगा, अपना चाइल्ड जब उसका स्ट्रांग होगा तो पेरेंट और स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं कि MPA कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। MPA बहुत ही ज़्यादा सॉलिड कंपनी है और ये बिल्कुल डिफरेंट कंपनी रहेगी, और ये mypayingcryptoads.com जो है ये बिल्कुल डिफरेंट कंपनी रहेगी, ठीक है। तो अगर मैं जैसे आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि mypayingcryptoads.com, तो अगर आपने इसमें ज्वाइन करना हो तो मैं आपको रेफरल लिंक अपना नीचे दूंगा, ठीक है, मेरा रेफरल लिंक यूं करके होगा mypayingcryptoads.com रेफरेंस 3710 साइन अप, ठीक है, ऐसे करके नीचे दिया है मैंने वीडियो के, आप देख लेना, ओके। और अगर आप इस साइट पर जाके डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं, आप बोलेंगे यार मैं तो डायरेक्ट ज्वाइन करना है इस साइट पर जाके, तो अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप मत करें, क्योंकि आप किसी और के अंडर, किसी स्पॉन्सर के अंडर जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि कल को आपको हेल्प चाहिए हो तो आपको स्पॉन्सर आपका हेल्प कर पाएगा टाइम टू टाइम पे, ठीक है, और अपडेट्स वगैरह दे पाएगा टाइम टू टाइम पे, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं तो आपकी हेल्प करने के लिए फिर कोई नहीं होता, फिर आपको मुश्किल होगी बाद में, ओके। तो डायरेक्ट साइट पर जाके मत ज्वाइन कीजिएगा, आपने मेरे साथ काम करना है तो मेरा लिंक वीडियो के नीचे ये दिया हुआ है, ठीक है, mypayingcryptoads का, ठीक है, .com का, और अगर आपने किसी और के अंडर साइन अप करना है, ज्वाइन करना है, तो उनका लिंक आप ले सकते हैं, उनसे मांग सकते हैं, ओके। चलिए तो मैं आपको अब डायरेक्ट लेके जाता हूँ, इससे मैं करता हूँ लॉग आउट। तो ये मेरा अभी मैंने आपको लाइव प्रूफ करके, लाइव विड्रॉल करके बता दिया, ये mypayingads.com मैंने कर दिया लॉग आउट, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा आ गया mypayingcryptoads.com, ठीक है, इसमें मैं ऑलरेडी मैंने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है, आज ही किया है मैंने, ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन डेट देखिए आप, October 30, ठीक है, तो 3:12 के करीब मैंने आई थिंक इसका अकाउंट क्रिएट किया था, ओके। तो इसका लिंक
जो मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके का लिंक होगा, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्रिप्टो एड्स जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो इस पे मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि अब आप देख रहे होंगे, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने माई पेइंग एड्स से पैसा कैसे कमा लिया, तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जब माई पेइंग एड्स आया था उस टाइम मैंने उसको ज्वाइन कर लिया, सही टाइम पे सही एक्शन लिया। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कितना पैसा लगाना है, कब लगाना है, कब निकालना है, ठीक है, ये सब स्ट्रेटजी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप पैसा अच्छा बना सकते हैं ऑनलाइन से। ओके, और इसकी गाइडेंस आपको सिर्फ स्पॉन्सर दे सकता है और कोई नहीं दे सकता, ठीक है, और वो भी अच्छा स्पॉन्सर होगा तो वही दे पाएगा। ओके, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक एमपीए ज्वाइन नहीं किया था तो आप एमपीए भी ज्वाइन करिए, बट साथ साथ माई पेइंग क्रिप्टो एड्स डॉट कॉम को भी ज्वाइन करना मत छोड़िए, क्योंकि ये अभी जस्ट लॉन्च हुई है, ठीक है, कल आई थिंक आज सुबह लॉन्च हुई है पूरी तरीके से, ठीक है, आज सुबह लॉन्च हुई है। और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे आई थिंक इनके मेंबर्स आई थिंक 5,000 से ऊपर चले गए हैं अभी इस टाइम पर, ठीक है, और अब डे बाई डे ये बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी, क्योंकि सभी कोई भी पर्सन नहीं चाहेगा कि उसकी लाइक माई पेइंग एड्स से तो वो अर्निंग कर रहा है। तो ऑब्वियसली अगर इसका ये कंपनी का ओनर भी ट्रस्टेड है, जैसे माई पेइंग एड्स के सेम ही ओनर है उदय नारा, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि अपनी कंपनी को जो छोड़े, क्योंकि ये ऑलरेडी पे आउट अच्छा दे रहा है, ठीक है, और बिटकॉइंस में काम करेगा टोटली। तो हर किसी को पता है कि बिटकॉइन की वैल्यू आजकल अप जा रही है, तो ये टोटली नो ब्रेनर डील है, ठीक है। तो आप देर मत कीजिए इसको ज्वाइन करने में, और आराम से ज्वाइन करके मेरे नीचे करना है मेरे नीचे करिए, नहीं करना तो किसी और के नीचे करिए, बट ज्वाइन ज़रूर करिए, क्योंकि आपको इसमें आने वाले टाइम में फ़ायदा होने वाला है। जैसे मैंने आपको माई पेइंग एड्स में विड्रॉल करके बताए हैं, उसी तरीके के आप भी विड्रॉल यहाँ से ले पाएंगे और माई पेइंग एड्स से भी ले पाएंगे, ठीक है। तो आप रेडी रहिए, और बाकी इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो आपको मैं थोड़ी डिटेल में बना के दूंगा कि इसके कैसे ऐड पैक हैं, कैसे परचेज करना है, कैसे ऐड फंड करना है, या कैसे इसके ऐड पैक्स या शेयर से आपने बाय करने हैं, ठीक है। तो वो वीडियो बाद में, बस मैंने आपको ये जस्ट ओवरव्यू देना था यहाँ पे, तो आई थिंक आपको ओवरव्यू यहाँ पे मिल गया होगा थोड़ा बहुत। और बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट अपडेट्स देता रहूँगा, ठीक है। सो अभी के लिए बस यही था, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।